ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो को आपको पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं सर्व रोग निवारण यंत्र लेके आया हूँ। इस यंत्र से अगर कोई आदमी कई दिनों से बीमार चल रहा हो, कोई दवाई काम नहीं कर रही हो या फिर सारी तरह से आप थक चुके हैं, तो आपको आज मैं जो यंत्र बताने जा रहा हूँ, इस यंत्र को बनाकर आप पुरुष अपने दाएं हाथ पे और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर बांध ले। इसको यंत्र को तैयार करने के बाद इसकी कोई विधि नहीं है, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं करना, बस आपको इस यंत्र को बनाना है। आपको करना क्या है कि आपको केसर की स्याही बनानी है, केसर से वो केसर की स्याही बना ले और अनार की कलम ले ली, अनार का जो पेड़ आता है उसकी डानी की तोड़ करके उसकी कलम बनानी है आपको, और उसी कलम को केसर की स्याही में डुबो करके इस यंत्र को लिखना है। और लिखने के लिए आपको भोजपत्र लेना होगा और भोजपत्र पर ही आपको इस यंत्र को बनाना है। तो मैं यंत्र प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कि आपको एक लाइन खींचनी है इस तरह से, फिर चार भुजादार इस भुजा बनाना इसको, फिर ऐसे घेरना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको एक लाइन बीचों बीच खींचनी है और एक लाइन इधर को, एक बाई और एक दाई, फिर एक बीच सीधी ऐसे। आपको बीच में लिखना है, जो ये देवदत्त में लिख रहा हूँ, ये देवदत्त की जगह आपको उसका नाम लिखना जो रोगी हो। और यंत्र के चारों तरफ से लिखना है, पहले में द्रीम, फिर बीच में एक लाइन खींचनी है, फिर इसमें श्री श्री लिखना है और चंद्रबिंदु, फिर श्री ऊपर की जो चारों लाइन में लिखनी है आपको श्री श्री लिखना है। फिर इस लाइन में आपको बीच में एक लाइन और खींचनी है, फिर इसमें भी लिखना है द्रीम, फिर इसमें भी ड्रीम और इसमें भी ड्रीम। नीचे की लाइन में भी ड्रीम ही आएगा ठेठ तक और ड्रीम, इसमें भी ड्रीम, इसमें भी श्री, इसमें यहाँ पे श्री लिखना है। जो ये देवदत्त है, ये आपने जो मैंने यंत्र बताया है, ये देवदत्त की जगह पर आपको इस रोगी का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। और इस यंत्र की बस पूजा करके, पुरुष हो तो दाहिनी पूजा, स्त्री हो तो बाई पूजा पर धारण करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अब हर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। ओम नमः शिवाय।